चाचा को बोतल के निशान पर वोट देकर जगाना। राजस्थान में उपचुनाव के रण का बिगुल बज चुका है। एक तरफ है कांग्रेस और दूसरी तरफ है बीजेपी और आरएलपी। चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। वहीं बीजेपी और आरएलपी की ओर से भी महारथियों ने मोर्चा संभाल लिया है। राजस्थान की राजनीति के धुरंधर हनुमान बेनीवाल ने खींवसर की सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए अपने भाई नारायण बेनीवाल को आरएलपी का उम्मीदवार बनाया है। आरएलपी को बीजेपी का समर्थन है, लिहाजा टक्कर आरएलपी और कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी आरएलपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के बीच ही आजकल नागौर में इस स्टार प्रचारक का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये नन्हे स्टार प्रचारक हैं हनुमान बेनीवाल के बेटा और बेटी। ये वोट मांग रहे हैं अपने चाचा नारायण बेनीवाल के लिए। खींवसर सीट से आरएलपी पार्टी के संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल विधायक थे। बीते लोकसभा चुनाव में बेनीवाल के सांसद बनने से ये सीट खाली हो गई। उपचुनाव की घोषणा के बाद सांसद बेनीवाल ने अपने भाई नारायण बेनीवाल को खींवसर की सीट से उम्मीदवार बनाया। अब क्योंकि पहले बेनीवाल खुद विधायक थे और अब उन्होंने अपने भाई को ही उम्मीदवार बनाया है, लिहाजा सीट को बेनीवाल की साख का सवाल समझा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।